फतेहाबाद के भट्टू मंडी में कोरोना केस मिलने के बाद भट्टू के मॉडल टाउन इलाके को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है तथा इसके साथ ही कई घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मॉडल टाउन में आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है, जिससे ना तो किसी को मॉडल टाउन के अंदर जाने की अनुमति है और ना ही किसी को बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है। इस एक केस के साथ ही फतेहाबाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 6 हो गई है, जिसमें से एक कोरोना मरीज ठीक हो चुका है, जो कि जांडवाला बागड़ से कोरोना पॉजिटिव जो केस मिला था वो ठीक होकर के घर जा चुका है और अब तक कुल 5 एक्टिव केस फतेहाबाद जिले में रह गए हैं। इन 5 केस में से 4 केस रतिया से हैं, जिनमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है जो कि सिख श्रद्धालु है और नांदेड़ साहिब से पिछले ही दिनों फतेहाबाद के रतिया में लौटे थे। और एक भट्टू की 23 वर्षीय युवती जो कि दिल्ली में कोचिंग किया करती थी, सीए की तैयारी किया करती थी, वो अब जैसे ही भट्टू में पहुंची और भट्टू पहुंचने के बाद उसका मेडिकल किया गया तो उसको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूं तो फतेहाबाद एकमात्र कुछ दिनों पहले तक एकमात्र ऐसा जिला था, लगभग उन जिलों में शामिल था, जिनमें एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं था। लेकिन जैसे ही भट्टू के साथ लगते गांव जंडवाला बागड़ में जैसे ही एक कोरोना का पॉजिटिव केस मिला, उसके बाद फतेहाबाद का सुरक्षा चक्र टूट गया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक मामले जो सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले जंडवाला बागड़ और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 4 केस एक साथ जो है फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र से मिलने की सूचना मिली थी और उसके बाद एक अब ये भट्टू क्षेत्र में मिली है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के 6 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक फतेहाबाद जिले से आ चुके हैं, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव केस ठीक हो चुका है। अभी 5 एक्टिव केस अभी भी फतेहाबाद जिले में है। तो ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने किस प्रकार से भट्टू क्षेत्र की जो भट्टू मंडी की ये तस्वीरें हैं, मॉडल टाउन की तस्वीरें हैं, जहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस का कड़ा पहरा है, बैरिकेटिंग की हुई है। इसके साथ साथ पूरे भट्टू इलाके में भी हमें सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया है। We'll be right back.